आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, मतलब और दूसरे वाले रूम में मेरा बेटा है और एक रूम में मेरे हस्बैंड है, तो मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे, आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस। और क्या कहते हैं, आज एक और स्पेशल डे है क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। तो अभी मुझे टाइम मिला है क्योंकि सुबह से मैं इतना बिजी थी ना, मार्केट गई थी और फिर मार्केट से आके सारा अरेंजमेंट मुझे भी करना है, तो अभी डिनर भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी आप लोगों से बात कर ली जाए। और तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैं उनको सरप्राइज देने वाली हूँ छोटा सा। तो मैं मार्केट गई थी, उनसे बोल के गई थी कि मैं घर के लिए डेकोरेशन के लिए सामान लेने जा रही हूँ क्योंकि दिवाली है, वो तो ऑफिस के मतलब वर्क में बिजी हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस वजह से, तो उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ अभी तक। तो मैं वहीं से लेके आ गई हूँ केक, और केक को मैंने चुपके छुपाते रख दिया है। और अभी मैं उनसे, वैसे मैंने बोल दिया है और बोल दूंगी क्योंकि जब मैंने साड़ी निकाली थी पहनने के लिए तो बोल रहे अब क्या होने वाला है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं दिवाली मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो बोल रहे अभी रात में क्यों कर रहे हो, तो मैंने बोला रात में ही मुझे टाइम मिला है, दिन में टाइम नहीं था वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने उनसे बोल दिया है और बोल दूंगी अभी दोबारा से पूछेंगे तो कि मुझे मेकअप लुक क्रिएट करना है इसलिए। और मेरी शक्ल देख रहे हो, यानी चूड़ियाँ तो पहन ली, मेरी शक्ल देख रहे हो कैसी बनी हुई है, तो अभी तो उनको कोई शक नहीं हुआ और आगे देखते हैं। तो आप लोग भी विश कर देना अपने जीजू को, अपने भैया को, क्योंकि देखो वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनको छोटा सा एक सरप्राइज दूं। तो लक्ष्य और मैंने दोनों ने प्लान किया है, लक्ष्य ने भी नहीं बताया हुआ है कि मतलब कि हम छोटा सा एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, तो बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी आप लोगों से सारी चीजें सारी बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं लेट हूँ, चलिए अभी मुझे डिनर भी बनाना है, मुझे तैयार भी होना है, अभी मुझे सारी तैयारियां भी करनी है, तो मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख सकते हो इसमें काफी टाइम लगा था। और मैंने हस्बैंड जी को बोला है कि मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ दूसरे वाले रूम में, अभी उनको कोई अता पता नहीं है, तो बस उनको सरप्राइज मैं देने वाली हूँ। अब देखते हैं वो खुश होंगे, क्या करेंगे, कैसा रिएक्शन रहेगा उनका। तो आप भी मेरे साथ वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। उसके बाद मुझे रेडी होना है, फिर मिलते हैं आपसे। चलो फोटो खिंचवाते नहीं तो मुझे क्यों तैयार करवाया यार? मैंने इनको इसलिए तैयार करवाया है क्योंकि अच्छा मैं ये समझाओ कि रात को कौन मेकअप लुक करता है यार? यूट्यूबर करते हैं। यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर कभी भी कहीं भी कुछ भी करेगा क्या? अरे जानू, बस मेरे सारा काम कर दिया है ना आपका। अच्छा आपने किया सो किया, मुझे क्यों तैयार करवाया? मैंने इसलिए तैयार करवाया इनको क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है तो एक फोटो हो जाए साथ में। एक फोटो 1 in 2000, एक बोलते हो हजार बातें। और बता, सिर्फ इन्होंने साड़ी तो पहनी है, पैंट तो टंगा था वही पहन लिया है। तो पैंट तो टंगे ही रहते हैं, उड़ते थोड़ी है पैंट। तो अभी मैचिंग की शर्ट नहीं पहनी इन्होंने, बोला कि यही ऊपर रखी तो मैं इसी को पहनूंगा। मैं चलो ठीक है एक ही फोटो लेना। फोटो में चेहरा मायने रखता है, कपड़े मायने मेरे हिसाब से तो नहीं रखता यार। मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है लेकिन गोरे आप लग रहे हो।
विदाउट मेकअप है ओरिजिनल। तो मैंने कौन सा मेकअप किया है, बस मैं थोड़ा सा मेकअप किया है। मेकअप लुक किया तो मेकअप ही किया, लिपस्टिक आईलाइनर काजल और बस ये ज्वेलरी और कुछ नहीं। बोले मैं शादी करने जा रहा हूँ बारात लेके, बट मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी कौन सी शादी करी है, फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया। तो मुझे क्या पता किसको फाउंडेशन कहते हैं। और बताओ कहते हैं और सब बढ़िया। आज ये नहीं बोलूंगी तारीफ कर दो, आज मैं नहीं बोलूंगी आपसे, कैमरा हिल रहा है, आज मैं नहीं बोलूंगी तारीफ कर दो। बहुत सही लग रही है सच में। तो चलो आप उस वाले कमरे में जाकर फोटो खींचो। मैंने क्या किया है देख रहे हो, मैंने बोला बहुत अच्छी लग रही, थैंक यू। अच्छा ये मुझे उस कमरे में ले जा रही है, कुछ तो ये कर रही थी पूरे दिन भर से उस कमरे में, मेरी एंट्री बंद कर दी थी उस कमरे में। अरे मेकअप लुक कर रही थी, मेकअप लुक कर रही थी, मैं मेकअप लुक कर रही हूँ, मेरा ऑफिस का काम कर करके मैं थक गया, पर मेरे को उस रूम में एंट्री नहीं। अब मुझे उस रूम में ले जा रही है, इन्होंने वहाँ क्या फैला रखा है, कबाड़ा बना रखा है, पता नहीं फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा चलो तो फैला रहा देखा, अगर मैं फैलाऊंगी तो मेरा ऑफिस एंड हुआ है, मैं फोटो दो चार फोटो खींचवा ले। चलो आ जाओ फोटो खिंचवाते हैं, बस एक दो ही खिंचवाएंगे ठीक है। ठीक है चलो प्रॉमिस। हाँ चलो आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। अच्छा मैं कहूँ सवेरे शाम से ये मेरे को गुब्बारों की फूटने की आवाज कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है? वो लक्ष्य खेल रहा था, हमने ये बोला था इनको कि लक्ष्य खेल रहा है गुब्बारों से। ये मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ। तो आप ये बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये सरप्राइज? मुझे तो देखो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ज्यादा बर्थडे मनाया नहीं अपनी जिंदगी में, जब से ये आई है तब से मना रहा हूँ, पर इस तरीके से बिना किसी इंटेंशन के बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये सब मुझे बोला था कि मेकअप लुक चल रहा है, और मैंने कहा गुब्बारों के फटने की या पटाखों के फटने की आवाज आ रही है। अरे वो मैंने इनसे ये बोला था ना कि लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य गुब्बारे, मैंने बोला नहीं था कि लक्ष्य खेल रहा है गुब्बारों से। तो मुझे थोड़ी पता था कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है क्या? तो पहले आप देख लो डेकोरेशन कैसा लग रहा है, हैप्पी बर्थडे। और ये है आपका केक, कैसा लग रहा है आपको? केक कटिंग करें तो फिर मेरा बर्थडे। इतनी जल्दी क्या पड़ी है आपको? अरे तो इतना अच्छा सरप्राइज मिला है मुझे, ऐसे बर्थडे कभी मनाया नहीं मैंने, तो अब मेरे को तो लग रहा है कि कब मेरे को अब केक काटना पड़ेगा, नहीं तो आज से पहले जितने बर्थडे मैंने मनाए ना, तो मेरे बर्थडे के केक लक्ष्य काटता है। हाँ तो आज भी लक्ष्य कटवा देंगे, लक्ष्य के साथ में लक्ष्य को कटवा देंगे। तो पहले ये बताओ कि आपको ये सरप्राइज कैसा लगा, सच बताना। मुझे तो सरप्राइज अच्छा लगा, लेकिन अब गिफ्ट क्या देने, वेट करो सारी चीजों की, वेट करो और इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा ये केक में कब लाई ये नहीं पूछोगे? कब लाई ये पूछोगे नहीं? अच्छा तो मार्केट जब गए डेकोरेशन का, ओहो मुझे बोला गया कि दिवाली के लिए मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेने जा रही हूँ मार्केट, तो मैं थोड़ा आती हूँ घंटे भर में, फिर भी आप अभी चले जाओ यहाँ से, तो मैं ऑफिस का काम दूसरे रूम में कर रहा हूँ। अच्छा तब से ही तुम्हारी व्यवस्था चल रही थी? मैं केक लेके आई, उसके बाद फिर मैंने डेकोरेट किया और उसके बाद मैंने बहुत सब कुछ बढ़िया किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सच में, अरे मुझे तो अच्छा लगा। बुरा लगता तो कर भी क्या लेती मैं, कुछ नहीं मैं केक खा जाता नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी बर्थडे मैं दो बार मनाती हूँ, पर उसको उस वाली बर्थडे के दिन मैं सिर्फ केक काटती हूँ। वाली बर्थडे है और ये रियल वाली है, धनतेरस वाली बोला ये जाता है, रियल वाली डेट अंग्रेजी डेट नहीं पता है हिंदी डेट, धनतेरस वाले दिन, तो धनतेरस है आज, तो हम इनका कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, और इन्होंने आज मैचिंग पहनते ना तब मजा आ जाता। अच्छा मैचिंग तो पहनी मैंने देखो, नहीं नहीं मैं ये अच्छा, साड़ी आपसे मैचिंग, तो हमारी मैचिंग तो बहुत सालों पहले हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। जानू आज आपका मुंह बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सीना चीर के तो हनुमान जी की तरह नहीं दिखा सकता। अगर आप लोग इंसान की खुशी इतनी ठीक होती है, ज्यादा अगर पतदेव खुश हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कुछ डिमांड अगले दिन या आगे पीछे हो जाएगी। आपकी बर्थडे डिमांड मैं क्यों करूंगी? आज मेरी बर्थडे है, आज नहीं करोगी, कल तुम्हारा दिन है, आज है हमारा दिन। तो यार कितनी इंसल्ट करते हो सच में इसमें। अच्छा मेरे को समझ नहीं आता लेडीज को हर बात इंसल्ट क्यों लगती है, हर बात इंसल्ट क्यों लगती है? मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, हो सकता है आज आप मुझे दो, पर कल से फिर हमें ही देना है, तो इसलिए लेन देन का सिस्टम ही बंद करो।
नहीं ये चलने देना, मतलब चलने देना चाहिए लेन देन का सिस्टम, जैसे प्यार ही होना रहता है। जब तक गिफ्ट एक्सपायर ना हो जाए ना, तब तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ होती रहनी चाहिए। मैंने कभी नहीं दी वो वाली गिफ्ट आपको, किसी को एक्सचेंज हो। हमारी तो घर की बात है, वो तो घर ही रहेगी। नहीं जैसे करते हैं ना, उसने तुम्हें दी मिठाई दिवाली पे, और क्या होगा दिवाली पे, यही होगा। एक के घर से सोन पापड़ी जाएगी, वो पता नहीं कहाँ उसी के आ जाएगी, उसको भी नहीं पता होगा कि मेरे यहाँ थी। सही, इसलिए अपना सीरियल नंबर लिख देना, कुछ तो लिख देना ताकि पता लगे आपको। अच्छा, और एक बात बोलना चाहोगे कुछ, इनकी बर्थडे पे, इनकी जो बर्थडे है धनतेरस वाले दिन, मतलब आज के दिन, तो कुछ लोग आज बना रहे धनतेरस, कुछ लोग कल, तो हमने मिक्स करके अभी बर्थडे मना रहे हैं। कोई कुछ लोग गुरुवार को मना रहे हैं, कुछ लोग शुक्रवार को मना रहे हैं। हाँ, तो इनको बर्थडे विश कर देना कमेंट बॉक्स में, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम दोनों पे। हमारी तरफ हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। यस, तो चलिए अब बर्थडे का, मतलब बर्थडे केक काटते हैं, बर्थडे बॉय का। बर्थडे बॉय का नहीं, केक कटिंग करते हैं। हाँ, आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, केक कटिंग करेगा भाई अपन। मेरे को नहीं लोगे साथ में? साथ में लूंगा सब, तुम दोनों खड़े रहोगे। और मैं, हम हाथ टच नहीं करेंगे। किसको? केक को। हाँ, तुम तो मूवी टच करोगे, पर काटूंगा मैं। चलो चलो, तो फिर अब केक काटते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अरे मैं कंफ्यूज था, पहले किसको खिलाऊं? अगर बच्चे को खिलाऊंगा तो मेरा प्यार है, पर ये नाराज हो जाती है कभी कभी। अच्छा पहले आप तो नहीं, पहले आप। वाओ, ऐसा बर्थडे अच्छा लगता है खुद घर के ऊपर, बाहर वालों का बर्थडे बाहर। वैसे भी कोरोना चल रहा है तो कौन आएगा ना। ये देखो, ये क्या हो जाता है इससे, ऐसे बढ़िया। चलो तो फिर अभी इसको खाएंगे बाद में। यही गिफ्ट है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि पता है, हमारा दिल तुम्हारे पास है, हमारा दिल लेके मुझे देके खुदने ले ये रहे, मुझे देके खुदने ले ये बाबू। यही क्या है, मैं बोली, मैं एक सॉन्ग सुना दूँ आपके लिए। हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल मेरे पास, हमारे पास है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, क्योंकि पता है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अलावा मैं कुछ इनको गिफ्ट दे भी नहीं सकती थी। तीन बार तो ले लिया वापस। तीन बार वापस ले लिया यार। आपको कैसा लगा? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एंजॉयड इट। आज मुझे बहुत अलग लगा, महसूस हो रहा है। तो अब तक भारी हो रहा था, अब तक भारी हो रहा था। काम करने के बाद थोड़ा भारी भारी रहता है, बट नाउ आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने हमारी बर्थडे का कर दिया गिफ्ट। हाँ। अब हम आपके लिए भी कुछ सरप्राइज है,
मैंने बोला था ना कि पिछले ब्लॉग में कि आपको करवा चौथ का और आपके यूट्यूब मोनेटाइज होने का कुछ गिफ्ट मिलेगा। यही वापस, यही नहीं है वापस, लाता हूँ। वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, ठीक लगा है तुम्हारे दिल से बड़ा कि नहीं है? चलो हमारे लिए तो यही बहुत है, तुम्हारे लिए ये कहती रहती ना मेरा मोबाइल वो। अब ये आपका, मैंने आपको छोटा सा गिफ्ट दिया बस। वो छोटा है वो दिल, अरे रॉन्ग रॉन्ग, हार्ट ट्रांसप्लांट का ऐसे ऐसे ये कह रही थी ना करवा चौथ में कुछ नहीं लेंगे। ये लेंगे। मैंने आपसे नहीं बोला, सच में आपने नहीं बोला, लेकिन अमीन ने बोला, क्योंकि हमारा जो मेरा मोबाइल मुझे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मिलता नहीं था। एक लक्ष्य की क्लास चलती थी, दूसरा इनका यूट्यूब का एडिटिंग वेडिटिंग का रहता था, तो मैंने कहा एक लैपटॉप दिलवा देता हूँ तो ये अपनी एडिटिंग वहाँ करती रहेगी और थोड़ा मेमोरी की भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच जानू, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन और बर्थडे करवा चौथ सरप्राइज, अरे दिवाली करवा चौथ और यूट्यूब सबका मिक्स है। यस, लैपटॉप में सब कुछ है। अरे ठीक है, मेरे लिए तो काफी है। तो देखो बैटरी करवा चौथ के लिए, लैपटॉप दिवाली का, ये सब जानू। तो थैंक यू सो मच, आजादी मतलब मैं के चिपका के रखी हूँ आपको, आजादी इन द सेंस मुझे आप क्या दे, आपने मुझे हाथ में नहीं दिया, खोल के दिया है ऊपर से, अपने अपने हाथ से नहीं छोड़ा था आपने, अपने हाथ से छोड़ देना तो सब बिल्कुल छोड़ देता मैं मुझे। अच्छा तो ये अब संपत्ति आपकी, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, यूट्यूब चलाते रहो, मौज करो, आनंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।